आज हम बात करेंगे कोल इंडिया की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात की जाए तो कोल इंडिया ने एक बड़ा रिजेक्शन लिया है। स्टॉक 230 के ऊपर सस्टेन होना इम्पोर्टेंट था, नीचे की ओर ब्रेकडाउन दे चुका है इसको, दो बार इसी तरह सपोर्ट लिया था यहीं से लेवल पे, और स्टॉक अगर वो सपोर्ट लेके 240 का लेवल ब्रेकआउट कर जाता तो बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिलती, लेकिन स्टॉक ने लिया है रिजेक्शन। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। अभी लगता नहीं कि बड़ी गिरावट देखने के लिए मिलेगी। जो लेवल है इसका अभी 224 का लेवल, इससे पहले बड़े गिरावट के बाद इसी लेवल से जंप आया और ब्रेकआउट दे दिया था। अभी यहाँ से और गिरावट आती भी है तो 224 का लेवल एक उम्मीद रहेगी, और लॉस में भी है आप ऊपर की लेवल पर पोजीशन बना के तो होल्ड करने के लिए तैयार है। 224 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। जब तक 224 के ऊपर है तब तक यहाँ पर बाउंस बैक होने के चांसेस बन रहे हैं।